डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। दिल्ली पुलिस ने इस साल फरवरी में हुए दंगों के मामले में मंगलवार को आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन समेत 15 के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। कड़कड़डुमा कोर्ट 16 जून को अब इस पर संज्ञान लेगा। पुलिस के मुताबिक ताहिर हुसैन ने 1,30,00,000 खर्च करके दिल्ली के चांदबाग में दंगा कराया था। 1,030 पन्ने की चार्जशीट में ताहिर को चांदबाग में दंगे का मास्टरमाइंड बताते हुए ताहिर के भाई शाह आलम समेत दूसरे लोगों को भी आरोपी बनाया गया। पुलिस ने आरोप पत्र में कहा है कि हिंसा के वक्त आरोपी ताहिर हुसैन अपने घर की छत पर मौजूद था और उसी ने इलाके में हिंसा भड़काई थी। पुलिस ने ये भी आरोप लगाया कि दंगों की पूरी तैयारी पहले से कर ली गई थी। ताहिर हुसैन ने उस दौरान लोगों से बात की और उसी वक्त ये तय किया गया था कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दिल्ली आएंगे तब दिल्ली में दंगा कराया जाएगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।